कोई फर्क नहीं पड़ता. नीड्स टू स्टॉप पुटिंग लॉन्ग मोटिवेशनल कोट्स एवरी टाइम दे पोस्ट अ पिक्चर. सुशांत नो. Yeah. Sushant, really? But I really read them. Thank you and for I saying try this. To decipher them. And boy, but I really, really don't understand something. करण जौहर का एक इंटरव्यू चल रहा है और ये काफी पुराना है. इसमें वो ये बात करते हुए नजर आ रहा है कि उसे सुशांत सिंह समझ में नहीं आते, क्योंकि लेडी होस्ट जो थी वो करण जौहर से पूछती है, जो करण जौहर ने एक ट्विटर पोस्ट किया हुआ था वहां से उठाकर वो पढ़ती है और कहती है, नीड्स टू स्टॉप पुटिंग लॉन्ग मोटिवेशनल कोट्स. इस पर करण जौहर कहता है कि अच्छा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में है. अब आप सोचो कि इस लल्लू लाल को सुशांत सिंह राजपूत की लिखी हुई पोस्ट समझ में नहीं आती. ये पढ़ता था, सुशांत की हर पोस्ट पढ़ता था, लेकिन इसे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल बनना पड़ता है, समझदार बनना पड़ता है, गहराई तक जाना पड़ता है. सुशांत के भीतर वो गहराई थी, वो उस तरह की बातें लिखता था और ये लोगों को लगता था यार ये तो अपनी बिरादरी का नहीं है, इसे अपने से दूर रखो, ना इसे अपनी पार्टियों में बुलाओ, ना सक्सेस पार्टी में बुलाओ, ना ही फिल्मों में मौका दो, और जहां से मौका मिलता है वहां से भी इसे बाहर कर दो. इनके पास क्या दिमाग है, ये फिल्म मेकर नहीं है, ये बिजनेसमैन. पैसा लगाते हैं, फिल्मों के राइट्स खरीदते हैं, किसी सस्ते से राइटर को पकड़ते हैं, उससे पूरी फिल्म लिखवाते हैं, बाकी तो इनका कोई काम नहीं है, ना डायरेक्शन कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और फिल्म में काम करने वाले डायरेक्टर कोई और, लिखने वाला कोई और, डायलॉग लिखने वाला कोई और. पैसे होंगे तो आप भी फिल्म मेकर बन सकते हैं, धर्मा प्रोडक्शन के जैसा आप भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. क्योंकि इनके बाप दादा, क्योंकि करण जौहर के पिताजी ने बहुत मेहनत की थी और ये मुकाम हासिल किया था, बस उसी का ये फायदा उठा रहा है. इनको सुशांत सिंह राजपूत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें सिर्फ सड़कों पर नंगा घूमना पसंद है, कॉफी विद करण जैसा अश्लील और घटिया शो करना पसंद है, अश्लील बातें करना पसंद है, बस यहीं तक इनको ये चीजें समझ में आती है. सुशांत जैसे इंसान की पोस्ट इन्हें ना समझ में आएगी, ना वो इंसान इन्हें कभी समझ में आया होगा.